अब हम हमारा द्वितीय सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और द्वितीय सत्र के आज के रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार एन वर्षा किया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्राइवेट चिकित्सा डिपार्टमेंट में चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक संस्थान में आप कार्यरत हैं। आपने बीएमएस नडियाड आयुर्वेद कॉलेज गुजरात से आपने बीएमएस किया। पीजी और पीएचडी आपने जामनगर से किया है और 2018 में आपको सीसीआरएस के द्वारा आयुष अवार्ड आपको दिया गया। अथर्व आयुर्वेद के द्वारा धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आपको वाग्भट अवार्ड आपको दिया गया। दो पुस्तकें आपने लिखी है और 30 से अधिक रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हुए हैं और 1500 से अधिक आपने पवन विरेचन कर्म अभी तक करवाए हैं। ऐसे आयुर्वेद के मनीषी युवा साइंटिस्ट हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें डॉक्टर जितेंद्र कुमार एन वर्षा के जी। थैंक यू सो मच सर। सर आई एम ऑडिबल सर? बिल्कुल यस। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस ज्ञान सप्ताह में, रिसर्च सप्ताह, रिसर्च के उपलक्ष्य में जो ज्ञान सप्ताह चल रहा है उसमें थोड़ा मेरे नॉलेज का कंट्रीब्यूशन मैं कर पाऊँ, इसलिए मुझे एक मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँगा। प्लीज तो स्टार्ट स्टार्ट योर वीडियो सर इफ पॉसिबल। यस सर, ओके सर, यस यस यस, लुकिंग सो नाइस। जस्ट आई एम शेयरिंग माय पीपीटी। इज इट विजिबल सर? यस यस विजिबल सर? यस सर यस सर। ओके ओके, धन्यवाद सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इथिक्स एंड इथिक्स कमिटी। जो भी ये मेरा जो व्याख्यान रहेगा वो टोटली एक रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन की ओर रहेगा, और इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमिटी की गाइडलाइंस जो है, डब्ल्यूएचओ के जो स्टैंडर्ड्स है उस पर रहेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं कमिटी से। इथिक्स कमिटी है क्या? अ कमिटी फॉर्मली डिजाइनेड टू रिव्यू एंड, वन मिनट सर, ओके, एंड इट इज कमिटी इज अ कमिटी फॉर्मली डिजाइन डेजिनेटेड टू रिव्यू एंड इनिशिएशन ऑफ अ क्लिनिकल रिसर्च स्टडी इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेट। हम कोई एक स्टडी में ह्यूमन पार्टिसिपेट को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या क्या एसओपीस होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो एक कमिटी डिसीजन लेती है, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है उसमें, उसको इथिक्स कमिटी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें मेडिकल पर्सन, साइंटिस्ट, नॉन साइंटिस्ट मेंबर्स और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। किसके रिगार्डिंग? तो इसके रिगार्डिंग ये लोग है वो प्रोजेक्ट को एंश्योर करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग इन अ ट्रायल बाय अमंग अदर थिंग्स, मींस रिव्यूइंग, अप्रूविंग एंड प्रोवाइडिंग कंटिन्यूइंग रिव्यू ऑफ ट्रायल प्रोटोकॉल। मीन्स ट्रायल स्टार्ट हुआ उससे पहले जो भी उसका प्रोजेक्ट डिजाइन होता है उससे स्टार्ट होके जब ट्रायल खत्म होता है और उसके बाद उसे सबमिशन होता है और साइंटिफिकली पब्लिश होता है, तब तक का जो भी रिव्यू होता है वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड उसको देखरेख करता है। अब इसका माइलस्टोन के रिगार्डिंग चलते हैं कि इथिकल चीजें लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो न्यूरम्बर्ग कोड मेडिकल इथिक्स बना 1947 में, उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एडोप्ट हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1948 में, देन उसके बाद कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स बना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया 1956 में, देन एक बेलमोंट रिपोर्ट बना 1974 में, इसके पहले एक हेलसिंकी डिक्लेरेशन हुआ है 1964 में, फिर देन आफ्टर डब्ल्यूएचओ एंड सीओम्स। ये सीओम्स है वो
काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस है, तो ये दोनों के कोलोब्रेशन से एक गाइडलाइन बनी जिसमें कि ह्यूमन पार्टिसिपेट को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं कोई भी रिसर्च में तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो 1982 में बनी। फिर ICPN GCP गाइडलाइंस आई 1996 में, देन आफ्टर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन को एडोप्ट किया 2001 में, एंड लास्टली 2006 में ICMR गाइडलाइन एडोप्ट हुई जो एक इथिकल स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करने के लिए हेलसिंकी डिक्लेरेशन से लिए हुए प्रिंसिपल्स है। Evaluation of ethics and ethical principles is linked to several unfortunate events. उसमें से दो एक important है, Tuskegee syphilis experiment and Nazi war crime. तो ये Nazi war का crime क्या है? तो इसमें actual में Nuremberg Code इसके बाद ही generate हुआ। तो जो German physicians थे, उन्होंने कुछ trial conduct किए criminals prisoners पे। उसमें उन्होंने कंडक्ट किए तो उनकी कोई कंसेंट नहीं ली गई, उससे विदाउट कंसेंट उन पे कुछ ड्रग ट्रायल हुए, इस ड्रग से उनको हैजार्ड हुए, परमानेंटली डायबिटीज हुई या तो फिर कई सालों की डेथ हो गई। तो इसमें 23 लोग इन्वॉल्व थे, वो फिजिशियंस, तो वो सब इसमें कसूरवार थे। उसके बाद मानी एक कोर्ट केस मामला हुआ, क्राइम हुआ, और उसके बाद न्यूरम्बर कोड एक जनरेट हुआ। न्यूरम्बर कोड है 1946 में, इसके लिए जो भी प्रोजेक्टिंग हो स्टार्ट हुआ, कोड फॉर्मुलेट हुआ 1947 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल एथिक्स की हिस्ट्री में, और इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं। तो एक के बाद एक मैं आपको डिस्कस करता हूँ, जैसे कि कंसेंट ऑफ सब्जेक्ट। कोई भी ट्रायल स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट जो भी होता है पार्टिसिपेंट, उसकी कंसेंट इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसेंट हम किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते ट्रायल में। यील्ड फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर सोसाइटी, जो भी ट्रायल कंडक्ट होगा उसका कोई रिजल्ट सोसाइटी को पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जो डिजाइन हुआ होगा वो मेनली एनिमल एक्सपेरिमेंट स्टडी होगी, उसके बाद ही वो ह्यूमन सब्जेक्ट पे ट्रायल किया जाएगा। विदाउट एनिमल एक्सपेरिमेंट कोई भी दवाई या मेडिसिन ह्यूमन सब्जेक्ट को नहीं ट्रायल होगी। फिजिकल एंड मेंटल इंजरी जो भी सब्जेक्ट है उसको होनी नहीं चाहिए, अगर होगी होगी तो एक क्राइम है, उसके लिए कंपनसेशन भी उसको देना पड़ता है। नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड वेयर डेथ और डिसेबिलिटी इंजरी विल अकर। कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी की डेथ हो या उसको कोई परमानेंट इंजरी हो जाए। सब्जेक्ट है वो कभी भी विदाउट एनी रीजन दिए हुए स्टडी में से अपने आप को विड्रॉल कर सकता है, उसका वो राइट है। जो भी साइंटिस्ट माने जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर होगा, जो भी इस स्टडी से इन्वॉल्व है, जो स्टडी को कंडक्ट कर रहा है, वो एक क्वालिफाइड फिजिशियंस और रिसर्चर्स होना चाहिए। और वो चाहे अगर उसको लग रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसको इससे कोई इंजरी हो रही है तो कभी भी ट्रायल को टर्मिनेट कर सकता है, उसकी उसके फेवर में होता है। साइंटिस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, इसके जो स्टडी चल रही हो अगर उसमें किसी को कोई रिस्क है या तो उससे कोई साइड इफेक्ट हो रही है तो उसके लिए एडिक्वेट प्रिपरेशन भी होनी चाहिए और फैसिलिटी सारी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क मिनिमम होना चाहिए, पेशेंट को कोई भी रिस्क नहीं रहना चाहिए स्टडी में। तो ये 10 प्रिंसिपल्स थे न्यूरम्बर्ग कोड के, इसको जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने एडॉप्ट किया। देन 1964 में एक हेलसिंकी डिक्लेरेशन आया which formulated general principles and specific guidelines for the use of human subject in medical research. तो medical research में human subject को involve करने के लिए कौन कौन से principles है वो Helsinki declaration के बाद establish हुए, और वही Helsinki declaration के जो principles है वो ICMR New Delhi ने adopt किए, उसके 12 principles है। तो एक के बाद एक देखते हैं। First of all, essentiality. तो पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट का उपयोग होना जरूरी है, विदाउट पार्टिसिपेंट्स कोई भी ट्रायल होना नहीं चाहिए। नॉलेज एडवांसमेंट उससे ही होता है, उसके बिना नहीं होता है। पार्टिसिपेंट मस्ट बी नेसेसरी। सेकंड है वॉलंटियरनेस, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कम्युनिटी एग्रीमेंट, तीन चीजें हैं। तो रिसर्च पार्टिसिपेंट रिस्क एंड बेनिफिट का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसको होना चाहिए। जो भी पार्टिसिपेंट हमारे रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहा है उसको सब कुछ बता देना पड़ता है कि आपको इसे ये बेनिफिट होगा, आपको इसे ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, और ये प्रॉब्लम होगा तो इसके लिए हम आपको ये सहायता कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वॉलेंटरली इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई फोर्सफुल नहीं होना चाहिए।
उसकी इन्फॉर्म कंसेंट हमें लेनी कंपलसरी है। देन आफ्टर नॉन एक्सप्लॉयटेशन, इसका मीनिंग है कि जो पार्टिसिपेंट्स होगा उसमें सोशियल या तो इकोनॉमिकल कोई कंडीशन या स्टेटस का भेदभाव नहीं होना चाहिए, या तो कास्ट सेक्स ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, पार्टिसिपेंट के जो भी इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो चीफ कंप्लेंट्स है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, कोई भी इश्यूज अपने ट्रायल रिगार्डिंग, तो वो कॉन्फिडेंट रहेगी, मानी इन्वेस्टिगेटर और पार्टिसिपेंट दोनों के बीच में ही रहेगी, वो लीक नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंशियल रखनी है। प्रिकॉशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन, इनकेस अगर पार्टिसिपेंट को इन बिटवीन स्टडी में अगर कोई साइड इफेक्ट होती है या तो कोई रिस्क होता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन सारे रेडी होने चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, जो भी रिसर्चर है वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिविजुअली क्वालिफाइड होना चाहिए, फिजिशियन है वो। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, रिसर्चर इज कंडक्टेड इज जो भी रिसर्च कंडक्ट हो रहा है वो फेयर ऑनेस्ट इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी रिसर्च कंडक्ट हो रहा है वो रिसर्च कंडक्ट होगा तो उसके बेनिफिट ह्यूमन काइंड को होना चाहिए और पार्टिसिपेंट्स को भी उसके बेनिफिट तो होना ही होने हैं, लेकिन कम्युनिटी को भी इसके इससे कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। देन आफ्टर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, तो ट्रायल है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे ही होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे मैनेज होनी चाहिए। देन आफ्टर पब्लिक डोमेन, तो ट्रायल कंडक्ट होने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है उसको साइंटिफिक पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, ताकि उससे फ्यूचर में किसी लोगों को, रिसर्चर को या तो दूसरे लोगों को उससे बेनिफिट मिले। देन आफ्टर टोटालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो भी रिसर्च से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर है, इंस्टीट्यूशन है, फंडिंग एजेंसी है, रेगुलेटर्स है, स्पॉन्सर्स है, ये सब की जो गाइडलाइंस है वो सब अवेलेबल होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल फिक्स होने चाहिए। एंड लास्ट वंस इज कंप्लायंस, जो रिसर्च को कंडक्ट करने वाला पर्सन है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो कुछ गलत ना होने पाए, उसकी जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ एंड फंक्शन ऑफ एथिक्स कमिटी, तो जो एथिक्स कमिटी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलेट करेगी, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइज ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी, सुपरवाइज करेगी। फिर वो प्रोटेक्ट द डिग्निटी, राइट्स एंड वेलबींग ऑफ द पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, ensures the universal ethics value and international internal scientific standards, and to assist the development and educate the research community responsive to local healthcare requirement, jo bhi iske liye requirement hai usse assist karegi। ethics committee ka composition kya hona chahiye, kya must hai ethics committee mein, to ek chairperson hona chahiye, ek se do basic medical scientist hona chahiye, ek se do clinical from various institute होना चाहिए, one legal expert होना चाहिए, ताकि अगर कोई कानूनी कोई problem होती है तो उसको handle किया जाए, उसमें retired judge भी चल सकते हैं, one social scientist होना चाहिए, representative from non-governmental volunteer agency होना चाहिए, one philosopher, ethicist और theologist होना चाहिए, one lay person हो जाए। lay person की need क्यों है, क्योंकि जो बातें lay person की है उसको ले पर्सन को कोई मानी कोई भेदभाव ना हो, उसके रिगार्डिंग एक ले पर्सन होना चाहिए कि उसकी बात को रख सकते, पार्टिसिपेंट की बात को भी वो रख सकते, एंड वन इज द मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए। तो ये एथिक्स कमिटी का कंपोजिशन है, ये कोरंड्रम चलना चाहिए। रिव्यू ऑफ रिसर्च पूरा कैसे होता है, तो रिव्यू जो डॉक्यूमेंट इसके रिगार्डिंग जो भी हो गए उस एथिक्स कमिटी उसके उसको एक कंडक्ट करवाएगी रिव्यू के लिए, प्रोटोकॉल को रिव्यू किया जाएगा, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म कैसा बना है उसको रिव्यू किया जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह है कि नहीं उसको रिव्यू करेंगे, रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन सब्जेक्ट की है उसको चेक करेंगे, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इन्वेस्टिगेटर का सीवी देख के वो इन्वेस्टिगेटर है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि नहीं वो जानकारी लेंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इसके रिगार्डिंग जो भी पेमेंट मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अदर जो भी सारे डॉक्यूमेंट है इसके रिगार्डिंग रिसर्च प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग वो भी लेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना, उसको फेवरेबल ओपिनियन देना, मॉडिफिकेशन करवाना, डिसअप्रूवल करवाना, नेगेटिव ओपिनियन देना या टर्मिनेट करवाना, सस्पेंशन करवाना, ये सारी चीजें रिव्यू ऑफ रिसर्च के अंडर में, एथिक्स कमिटी के अंडर में आती है।
एथिक्स कमेटी के ऑपरेशंस क्या है? एथिक्स कमेटी मेंबर्स मेक डिसीजन एट अनाउंस मीटिंग, कोरम ऑफ द मस्ट बी प्रेजेंट, माने जो एथिक्स कमेटी के जो कंपोजिशन में जो लोग थे उतने लोग मौजूद होने चाहिए. ओनली मेंबर इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर और स्पॉन्सर कैन वोट, ओनली मेंबर हु पार्टिसिपेट इन द रिव्यू एंड डिस्कशन कैन वोट. इन्वेस्टिगेटर है वो वोट नहीं कर सकता है. नॉन मेंबर विथ स्पेशल एक्सपर्टाइज कैन प्रोवाइड असिस्टेंट and maintain a list of ethics committee member, follow written procedures and retain record for at least 3 years. 3 साल तक जो भी project conduct हुआ होगा उसका recording 3 साल तक compulsory रखना है. Now coming to GCP, good clinical practice. GCP is an international ethical and scientific quality standard for designing, conducting, recording and reporting of trial. Trial कैसे design होगा, कैसे कंडक्ट होगा, उसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा और जो ट्रायल को रिपोर्ट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आती है. इट प्रोवाइड्स द राइट सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ट्रायल सब्जेक्ट, तो ट्रायल सब्जेक्ट की वो सेफ्टी के लिए है. ऑल्सो इट एंश्योर्स द रिजल्ट एंड क्लिनिकल ट्रायल आर क्रेडिबल और एक्यूरेट, सही है कि नहीं उसके रिगार्डिंग वो रहेगा. पर्पस क्या है उसका, तो जो भी रेगुलेशन और गाइडलाइन है पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करने के रिगार्डिंग, उसको हार्मोनाइज मानी उसमें यूनिटी लाने का एक तरीका है. टू प्रोवाइड एन अनफिल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंड टू फैसिलिटेट द म्यूटेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लिनिकल डाटा बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज. अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं. अगर थोड़े मैंने बोल दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरम्बर्ग कोड 1946 में जो आया वो, उसमें मैंने पहले ही बोल दिया कि जो जर्मन फिजिशियंस है उन्होंने क्रिमिनल पे विदाउट कंसेंट ट्रायल किया था, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी. उसके आफ्टर है केफेवर अमेंडमेंट 1962 में आया, थैलिडोमाइड डिजास्टर बोलते हैं इसको. थैलिडोमाइड है वो प्रेग्नेंट वुमन को एंटी वोमिटिंग के लिए ड्रग देते हैं, तो ये ड्रग विदाउट कंसेंट दी गई थी और उससे फिटस को परमानेंट डिसेबिलिटी या तो डेथ होने के बहुत हो गए थे. तो इस रिगार्डिंग ये कफेवर अमेंडमेंट आया था 1962 में. देन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी आया, तो हेलसिंकी की डिक्लेरेशन में एक बहुत ही अहम बात आई कि ह्यूमन पार्टिसिपेंट होते हैं उसके राइट्स क्या क्या है, उसको कब इन्वॉल्व किया जाए. तो उसमें उन्होंने बता दिया कि एनिमल या तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गए उसके बाद ही ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे ड्रग या तो ये ट्रायल होगा. देन आफ्टर आता है टस्कगी मेडिकल टस्कगी सिफिलिस स्टडी, इसमें एक मेडिकल कैंप हुआ था तो उस मेडिकल कैंप में विदाउट कंसेंट और विदाउट डायग्नोसिस बताए हुए पेशेंट को चेक किया गया. उसके बाद बहुत से सिफिलिसिस के केस आए और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई. दैट्स व्हाई सिफिलिस टस्कगी सिफिलिस स्टडी हुआ. एंड लास्ट वन इज बेलमोंट रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल्स आए थोड़े, उसमें आया कि जो पार्टिसिपेंट है उसकी रिस्पेक्ट टू द पार्टिसिपेंट, माने ये सब चीजें जो आगे हमने बोली एसेंशियलिटी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, उसको सारी चीजें बतानी है, ये होना चाहिए. फिर बेनिफिशियंस, तो जो पार्टिसिपेंट्स है उसको तो बेनिफिट होना ही चाहिए बट कम्युनिटी को भी बेनिफिट होना चाहिए. एंड लास्ट वन इज जस्टिस, अगर इनकेस पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई रिस्क होता है या तो उसको साइड इफेक्ट होती है तो उसको उसके रिगार्डिंग जस्टिस मिलना चाहिए. ये सारी चीजें बेलमेंट रिपोर्ट में आई. Now coming to what is ICH, International Conference of Harmonization. So rapid जो भी regulations और guidelines है reporting data के लिए, उसमें एक के बाद एक ये बहुत सारे regulations आने लगे तो ये lobby increase होने लगे. तो but ये सब लोगों के अलग अलग law थे तो इसको एक मानी unique या तो harmonize करना जरूरी था. Country to country ये variety थी इसमें, तो इसको मानी यूनिक बनाना जरूरी था कि सब इंडिविजुअल अलग से ना करें. तो सबसे इसके पायोनियर है यूरोपियन कम्युनिटी में, यूरोपियन यूनियन 1980 में उन्होंने एडॉप्ट किया. देन आफ्टर WHO ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की पेरिस में. एंड उसके बाद ICH को इनिशिएट किया गया 1990 में ब्रुसेल्स में. देन आफ्टर इसके मेन आउटकम आए गाइडलाइन फॉर सेफ्टी क्वालिटी एंड एफिकेसी लिए ICH ने गाइडलाइन बनाई, वो एडॉप्ट की गई. एम क्या है ICH के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफाई रजिस्ट्रेशन. कोई भी न्यू प्रोडक्ट आएगी मार्केट में तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. दूसरा है कि रिड्यूस मेडिसिनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट
ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मोर इकोनॉमिकल यूज हो ह्यूमन बीइंग में, इसलिए एक्सलेट मेडिकल प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंस होना चाहिए मेडिकल प्रोडक्ट का, ताकि साली जो सारा जो क्वालिटी अश्योरेंस है उसका असेसमेंट हो पाए। इंक्रीज्ड पेटेंट प्रोटेक्शन टाइम्स, मानी पेटेंट लेना जरूरी है। प्रिंसिपल्स क्या है ऐसी जीसीपी गाइडलाइन के, तो कंडक्ट ट्रायल अकॉर्डिंग टू जीसीपी, जो भी जीसीपी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग टू ट्रायल कंडक्ट करने हैं। वेट, जो रिस्क और बेनिफिट का वेटेज है वो मेंटेन होना चाहिए, मानी बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, रिस्क बहुत मिनिमल होना चाहिए। सब्जेक्ट वेलबींग एक्सिट द साइंस, सब्जेक्ट को सारी चीजें इस रिगार्डिंग बता देनी है। हैव एडिक्यूएट इन्फॉर्मेशन टू जस्टिफाई ट्रायल, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है इसके रिगार्डिंग, जो भी ट्रायल के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल बनना है वो परफेक्ट बनना है। रिसीविंग आईआरबी मानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एंड एनसीईआरटी कमी का अप्रूवल कंपलसरी है, उसके बिना ट्रायल कंडक्ट हो ही नहीं सकता है। जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा वो क्वालिफाइड फिजिशियंस होगा एंड क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ भी साथ में रहेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट कंपलसरी है, जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे सारे कागज बनेंगे वो सब रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन कंपल्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उसमें, डाटा का सारा प्रोटेक्शन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन है वो इजी गोइंग होना चाहिए और क्वालिटी एश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम अगर डिवाइड करें तो चार तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आफ्टर जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आफ्टर स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन आफ्टर मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कमिंग टू आईआरबी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होगा वो जो भी क्लिनिकल ट्रायल प्रपोज होगा उसको रीजनेबल टाइम में रिव्यू करेगा, देन आफ्टर कंटिन्यूस रिव्यू करेगा वो ऑनगोइंग ट्रायल को कुछ कुछ अप्रोप्रिएट इंटरवल्स में। उसमें डिग्री ऑफ रिस्क अगर रिव्यू सब्जेक्ट वो है तो एटलीस्ट वन ईयर पर, एटलीस्ट वन बार पर ईयर में करना चाहिए। जो भी रिलेवेंट इथिक्स कंसर्न्स एंड मिट है, जो भी रेगुलेटर अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है उसको ट्रायल के साथ जोड़ेंगे। रिव्यू बोथ द अमाउंट एंड मेथड ऑफ द पेमेंट, मानी जो सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट को अमाउंट जानी है और पेमेंट जाना है उसके मेथड क्या है और मिला है कि नहीं उसका एश्योरेंस लेंगे। और पेमेंट टू अ सब्जेक्ट शुड बी प्रोपोरेटेड एंड नॉट वोली कंटेंजेंट। अगर ट्रायल को टर्मिनेट करना है इनकेस किसी रीजन से, या तो सस्पेंड करता है करना है तो भी वो भी इन्वेस्टिगेटर कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इनिशिएशन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल का जो भी मैनेजमेंट करना है उसको इनिशिएट करना है और जो उसके लिए फंड लगेगा वो सारा स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर कौन कौन हो सकते हैं, एन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूट हो सकती है, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, तो एक तो प्रोजेक्ट का क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल एक्सपर्टाइज, ट्रायल का डिजाइन करना, ट्रायल को मैनेज करना, ट्रायल का जो भी डाटा है उसको हैंडल करना, रिकॉर्ड रखना, इंडिपेंडेंट डाटा मॉनिटरिंग कमिटी इसके लिए एक जनरेट होती है, ये सब चीजें अप्रोप्रिएट रखने के लिए। इन्वेस्टिगेटर को सिलेक्ट करना, फिर जो भी ड्यूटी है उसकी अलॉट करना उसको और उसके फंक्शन सारे बताना, एंड सब्जेक्ट को कंपनसेशन देना और इन्वेस्टिगेटर को कंपनसेशन देना, ये सारी चीजें स्पॉन्सर के अंदर इंक्लूड होती है। स्पॉन्सर है वो जो नोटिफिकेशन हो सबमिशन होगा रेगुलेटरी ऑथोरिटी को पर्टिकुलर टाइम में करेगा। इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशनल जो भी प्रोडक्ट होगी इसको इन्फॉर्मेशन रखेगी। मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, कोडिंग, सप्लाइंग, हैंडलिंग, ये जो सारी ट्रायल में जो भी ड्रग होगा उसका सारा जो जिम्मेदारी होगी स्पॉन्सर करेगा। जो भी रिकॉर्ड एक्सेस होगा वो स्पॉन्सर के पास रहेगा। सेफ्टी इंफॉर्मेशन वो देंगे इन्वेस्टिगेटर को। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के जो भी रिपोर्टिंग है वो स्पॉन्सर को करने होते हैं। एंड प्रीमेच्योर टर्मिनेशन या सस्पेंशन ऑफ ट्रायल होगा तो वो करेगा स्पॉन्सर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नॉन में होके। अब कहाँ आते हैं मॉनिटर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटर, तो मॉनिटरिंग है वो स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टिगेटर के बीच में एक कम्युनिकेशन करेगा। वो स्पॉन्सर के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं मॉनिटर वो, और अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग उसको होती है उसके लिए,
और शुड हैव द साइंटिस्ट और क्लिनिकल क्लिनिकल नॉलेज, जो मॉनिटर होगा उसको साइंटिफिक और क्लिनिकल नॉलेज होना कंपलसरी है। मॉनिटर है वो क्या क्या करेगा, तो वेरीफाई दैट द रिसोर्स स्टाफ एंड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट आर एडिक्वेटेड टू कंडक्ट द ट्रायल सेफली एंड प्रॉपरली एंड दिस रिमेन एडिक्वेट थ्रू आवर ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड के रिगार्डिंग रिसोर्स स्टाफ फैसिलिटीज जो भी है वो उसको वेरीफाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है उसको वेरीफाई करेंगे। अप्रूवल ऑफ प्रोटोकॉल है या तो अमेंडमेंट है या तो इन्फॉर्म कंसेंट का अमेंडमेंट या अप्रूवल है उसको वेरीफाई करेंगे। एनरोलमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट उसको करना है एंड वेरीफाई दैट सोर्स डाटा कोड, जो भी डाटा आ रहा है उसको वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी है मॉनिटर की। नाउ कमिंग टू GLP, गुड क्लिनिकल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। इट इज द क्वालिटी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल फॉर रिसर्च लेबोरेटरी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये GLP इम्पोर्ट क्यों है, तो इट ट्राई टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ केमिकल एंड नॉन केमिकल सेफ्टी ऑफ टेस्ट। जो भी पार्टिसिपेंट के ऊपर जो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसमें केमिकल नॉन क्लिनिकल सेफ्टी, उसकी सेफ्टी कितनी रहेगी, वो सारी चीजें GLP डिपेंड करती है। इट इज अ नॉन क्लिनिकल स्टडी कंडक्टेड फॉर असेसमेंट ऑफ सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल टू मेंटेन एनिमल एनवायरमेंट। इंट्रोडक्शन टू GLP। GLP है वो इज एन FDA रेगुलेशन। GLP is a formal regulation that was created by the FDA, United States Food and Drug Administration, ने 1978 में इसको establish किया है। Purpose क्या है GLP का? GLP is to certify that the every step of the analysis is valid or not. Valid है कि नहीं वो GLP से पता चलता है। Assurance and the quality and integrity of the data submitted to FDA in support of the safety and regulation of product. GLP has a heavy emphasis on data recording, record and specimen retention. In short, जो भी analysis होता है trial में, laboratory level पे, investigational level पे, वो कितना unique है, उसकी quality क्या है, वो integrity क्या है ना, ये सारी चीजें GLP पे depend रहती है। इसके कुछ principles हैं, तो एक के बाद एक हम देखते हैं। तो first of all, test facility, organization and personnel. तो should have the knowledge of the GLP principles. जो भी पर्सोनल हो या तो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये टेस्ट कंडक्ट करेगी उसको इसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज होना जरूरी है। उसके रिगार्डिंग स्टडी का प्लान और अप्रोप्रिएट SOPs उसको एक्सेस करनी होती है। कंप्लाई विद द instructions ऑफ द SOPs रिकॉर्ड रॉ डाटा। स्टडी पर्सोनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर डाटा एंड एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशन टू मिनिमाइज रिस्क। मानी कम से कम रिस्क हो सब्जेक्ट्स को उसका इंश्योरिटी जरूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, तो एक्सेस टू द अपडेट ऑफ द स्टडी प्लान एंड SOPs। जो भी स्टडी के प्लानिंग है उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस SOPs क्रिएट करना। थ्री टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन इज देयर, स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शन, फैसिलिटीज बेस्ड इंस्पेक्शन एंड प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शन। तो स्टडी बेस्ड मानी जो भी स्टडी ट्रायल हो रहा है उसके लिए इंस्पेक्शन में क्या क्या जरूरी है वो करना। उसके रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटीज है, कहाँ से लानी है, कितना बजट लाना है, ये चीजें मायने रखना। और प्रोसेस बेस्ड, इसके रिगार्डिंग जो सारी प्रोसेस होगी वो कैसे फुलफिल होगी उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट रखना। नाउ कमिंग टू फैसिलिटीज, सुटेबल साइज, कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्टिकुलर स्पेस एक फिक्स होगी उसके लिए एक लोकेशन फिक्स होगा। एडुकेट डिग्री ऑफ द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग जगह पे वो सब एक्टिविटीज होगी। आइसोलेशन ऑफ द टेस्ट सिस्टम्स एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो जो बायोलॉजिकल हैजार्ड ना हो जो बहुत ध्यान में रखना है, इसलिए जो टेस्टिंग एरिया है उसको अलग से आइसोलेट रखना है। सुटेबल रूम फॉर द डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज, उसके लिए कोई स्टोरेज रूम या सुटेबल रूम अपडेट रखना है। फोर्थ वन इज apparatus, materials एंड reagents. Apparatus ऑफ द appropriate डिजाइन एंड adequate कैपेसिटी, मानी जो भी जिस चीज का ग्लास का है या तो प्लास्टिक का है, apparatus जो भी नीडी है वो सब अवेलेबल होना चाहिए। जो भी उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है वो
उसकी डे बाय डे जांच होनी चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। एपरेटस एंड मटेरियल्स नॉट टू इंटरफेयर विद द टेस्ट सिस्टम। केमिकल्स, रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशंस शुड बी लेबल्ड, मानी उसका लेबल रखना जरूरी है ताकि एक इंटरमिक्स ना हो जाए। टेस्ट सिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट सिस्टम, दो टाइप की टेस्ट सिस्टम होती है। रिकॉर्ड्स ऑफ द सोर्स, डाटा ऑफ द अराइवल एंड अराइवल कंडीशन ऑफ द टेस्ट सिस्टम, जो भी सैंपल्स लिए है उसका रिकॉर्ड, उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा जनरेट हुआ है उसका कागजी रिकॉर्ड, और वो जो सैंपल है उसको पहुंचाने की जो कंडीशन है वो सारी प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम्स, रिसिप्ट, हैंडलिंग, सैंपलिंग, स्टोरेज, ये सब कैरेक्टराइज्ड होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट आइटम, व्हीकल, जो भी कंटेनर हो गए वो ऐसे यूज करने हैं ताकि हम उसको व्हीकल में इधर उधर कहीं ले जाए तो भी उसको कोई इंटरमिक्स ना हो या तो टूटने की कोई संभावना ना रहे। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी इन द टैंक मिक्सचर यूज इन द फील्ड स्टडीज। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिस्टम, SOPs, तो इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग या तो लेबोरेटरी में जो भी प्रोग्राम्स हो गए उसकी जो भी प्रोसीजर्स है वो एक रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि कैसे करनी है, कैसे सब ये, तो रिटन इज इम्पोर्टेंट। रूटीन इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, ये सब सारी चीजें ध्यान में रखनी है। एक्शन टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू इक्विपमेंट फेलियर, अगर इक्विपमेंट फेल होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लेने हैं, ये सारी चीजें जरूरी है ध्यान में रखनी। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, प्रिपेयर द स्टडी प्लान, कंटेंट ऑफ द स्टडी प्लान, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडी, रिकॉर्ड्स, डेट्स, रेफरेंसेस, टेस्ट मेथड्स, ये सारी चीजें उसकी नोटिंग करनी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी, इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉन्सर एंड टेस्ट फैसिलिटी, एक्सपेरिमेंटर्स, टेरिंग एंड स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट्स, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, स्टोरेज, ये सारी चीजों का रेफरेंस रखना जरूरी है। स्टोरेज, तो जो भी जो प्रिपेयर्ड चीज है, द स्टडी प्लान, रॉ डाटा, सैंपल्स, इसका स्टोरेज करने की भी एक अलग से SOPs बनती है कि इसको मेंटेन कैसे करना है, उसको कोई हैजर्ड ना हो, उसके इंडेक्सिंग कैसा होना चाहिए, तो जस्टिफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ रखने चाहिए, सारी चीजें एक जस्टिफाई मैनर में रहनी चाहिए। तो वॉट इज द गुड लेबोरेटरी मस्ट कंटेन, तो एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक, स्मेल एंड डस्ट, जो भी एरिया होगा वो डस्टी या तो स्मोकी एरिया ना होना चाहिए, एंश्योर करना है। गुड वेंटिलेशन होना जरूरी है, नेचर लाइट होनी जरूरी है वहाँ पे, एयर कंडीशनर होना जरूरी है लैब में ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए, इनफ स्पेस और मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग हो गए उसके रखने के लिए इनफ स्पेस होनी चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द टेस्टिंग होना चाहिए, सेफ्टी पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है, सेफ्टी पॉइंट सारे, अनक्लीननेस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, प्रॉपर एरिया स्टोरेज का भी होना चाहिए, ऑल्सो प्रोवाइड द सैंपल कलेक्शन प्लेस एज वेल एज पैकिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द टेस्टेड सैंपल्स। क्या क्या जरूरी है GLP लिए, तो कीप द थिंग्स एट इट्स लोकेशन आफ्टर यूज, स्टोर हैवी थिंग्स एट बॉटम, मानी जो भी भारी चीजें है वो बॉटम में रखिए, इफ पॉसिबल ट्रॉलीज वगैरह के अरेंज होना चाहिए, पर्टिकुलर नेमिंग करने देना है उस पर, एवरीथिंग जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना कंपलसरी है, मानी जो SOPs बनी है उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। प्रिपेयर लोकेशनल लिस्ट, डिस्प्ले इट, चाहे सारी चीजें हमेशा डिस्प्ले करके रखिए, लिख के रखिए, तो आइडिया ज्यादा आएगा। आइडेंटिफाई दैट जो भी नाम दिए है वो पर्टिकुलर उसी थिंग्स के नाम है कि वो भी मैच करना है, कहीं उल्टे सीधे नाम ना लग जाए, तो ये सारी चीजें जरूरी है। बेनिफिट ऑफ द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, इट विल गिव बेटर इमेज ऑफ कंपनी एज अ क्वालिटी प्रोड्यूसर इन अ ग्लोबल मार्केट। जब अगर हमें बेटर कोई प्रोडक्ट को बाहर लाना है या तो अच्छे से रिजल्ट निकालना है कोई चीज का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड हॉट टिप्स ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा एज वेल एज मेजर अनसर्टेनली एंड परफेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डूइंग टेस्टिंग एंड प्रोवाइड गाइडलाइन एंड बेटर कंट्रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट टू WHO गाइडलाइन, जो भी हर्बल ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए दी गई है उसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या है, हर्बल ड्रग को स्टैंडर्डाइज करने की नीड क्या है, तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत है,
तो जो भी हर्बल प्रिपरेशन है उसका सोर्स एक्सपांड हुआ है। मानी डे टू डे जो आयुर्वेदा मेडिसिन है उसकी डिमांड आयुर्वेद के प्रोपोगेशन की वजह से बड़ी है। जैसे आप ही देख लो, अभी कोरोना काल है तो गुड़ुची पहले 20 रुपीज KG थी और अभी 120 रुपीज KG है, तो इतना बहुत ज्यादा फर्क है। तो इट इज एसेंशियल टू एक्सप्लोर द स्टैंडर्ड गाइडलाइन। अब ये सारी चीजें, इतनी डिमांड बढ़ गई है ड्रग की, तो ये हमें ये इंश्योर रखना है कि जो भी ड्रग आ रही है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, मानी रिलायबल है कि नहीं है। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल से लेके जो फिनिश प्रोडक्ट बन रही है तब तक की सारी चीजें है ना, वो अच्छे से स्टैंडर्ड गाइडलाइन के थ्रू प्रॉपर थ्रू फॉलो होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो पहले हर्ब और हर्बल ड्रग्स क्या है उसके रिगार्डिंग देते हैं। तो जो भी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, स्टेम, वुड, बार्क, रूट, राइजोम, ये सारी चीजें हैं, वो फ्रेगमेंटेड या तो पाउडर फॉर्म में है एंटायर, वो हर्ब्स है। बट जो फिनिश्ड लेबल प्रोडक्ट बन रही है वो हर्बल ड्रग्स है, जिसमें ये ड्रग के सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एरियल अनग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो सारे आते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग रिफर्स टू कंफर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी, प्योरिटी एंड डिटेक्शन ऑफ द नेचुरल एडल्ट्रेशन। मानी हर्बल ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन हो, इन शॉर्ट क्या है, तो हमें ये कंफर्म करना कि जो ड्रग है उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो प्योर है और उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, वो उसको इंश्योर करने के लिए जो भी है मेथड वो स्टैंडर्डाइजेशन हर्बल ड्रग है। क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल मेजर्स व्हिच आर टेकन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल लीडिंग टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी। स्टडी फ्रॉम बर्थ ऑफ प्लांट, मानी प्लांट हार्वेस्ट हो रहा है तब से लेके उसको हम क्लिनिकली अप्लाई कर रहे हैं तब तक की जो भी सारी स्टडी है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। उसमें बिब्लियो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो बिब्लियोग्राफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल प्रोफाइल और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम फॉर प्रोडक्ट, ये सारी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन द ग्लोबल परस्पेक्ट, देर इज अ शिफ्ट टुवर्ड द यूज ऑफ मेडिसिन। मानी जो हर्बल मेडिसिन का यूज है वो जैसे ही बढ़ता जा रहा है, उसके बढ़ने से उसमें लोग क्या एडल्ट्रेशन या तो वगैरह यूज करते होंगे, तो वो ना होना पाए वो जरूरी है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज द कार्डिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलर ऑथोरिटी। तो जो रेगुलेटरी ऑथोरिटी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ड्रग की प्योरिटी है, सेफ्टी है, पोटेंसी और एफिकेसी है वो एज इट इज रहे, तो उसके लिए सारी गाइडलाइंस बनानी इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज द ड्यूटी इन चार्ज बाय द रेगुलेटरी ऑथोरिटी बाय रिजिडली फॉलोइंग बाय वेरियस स्टैंडर्ड। प्रोसीजर फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ हर्बल ड्रग, तो ड्रग की आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन से लेके जो प्रोसेस ड्रग होकर फाइनल प्रोडक्ट बनेगी तब तक उसकी सारी केयर जो भी है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उसको एक के बाद एक देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन, फॉरेन मैटर्स, देन आफ्टर ऑर्गेनिक एवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपी, वॉलेटाइल मैटर्स, एस वैल्यू, एस्टेट वैल्यू, क्रोमेटोग्राफिक प्रोफाइल, मार्कर कंपोनेंट, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, हैवी मेटल डिटेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन, ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग के एक प्रिंसिपल्स हैं। एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन, तो ड्रग को आइडेंटिफाई करना, ये है ऑथेंटिकेशन। तो आइडेंटिफाई किस बेस पे करेंगे, तो उसके बोटोनिकल या तो लैटिन नेम के बेस पे, बायोनोमिनल नेम के उस पे नेम पे, या तो उसको सिनोनिम से बेस पे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। देन उसका टेक्सोनोमिक ऑथेंटिकेशन होगा, देन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज होगी उसकी, और देन आफ्टर माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी। उसमें फॉरेन मैटर जैसे कि सॉइल, इंसेक्ट पार्ट, एनिमल एक्सट्रैक्ट, ये सारे प्लांट ड्रग में कलेक्शन के टाइम पे साथ में आए हैं कि नहीं वो इंश्योर करना है। देन आफ्टर उसके ऑर्गेनिक इवेल्यूशन, जैसे कि टेस्ट, अपीरियंस, ऑर्डर, फील ऑफ ड्रग, ये सारा देखना है।
माइक्रोस्कोपिक स्टडी ड्रग के करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ये और जो भी उसमें एडल्ट्रेशन है कि नहीं उसको एंश्योर करने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या आएगा, विस्कोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच ऑफ ड्रग, फ्रायबिलिटी, हार्डनेस, फ्लोएबिलिटी, सेडिमेंटेशन, एस वैल्यू, एसआरआई इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। वोलेटाइल मैटर, तो अगर वोलेटाइल मैटर कोई है तो वो स्टीम डिस्टिलेशन से डिटरमाइन कर पाएंगे। एस वैल्यू, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट ड्रग इवैल्यूएशन। एक्सट्रैक्ट वैल्यू, एक्सट्रैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है जो भी अमाउंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट मटेरियल एक्सट्रैक्ट। तो इट प्रोवाइड्स इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पोलर, मीडियम पोलर एंड नॉन पोलर कंपोनेंट इन द प्रेजेंट ऑफ द ड्रग। क्रोमेटोग्राफिक प्रोफाइल में क्या क्या आएगा, तो टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड एचपीटीएलसी मेथड्स है, वो ड्रग की क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है, और मेन जो भी ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्रूड ड्रग में उसको डिफाइन टीएलसी से करते हैं। वो रैपिड एंड पॉजिटिव एनालिसिस से किया जाता है और ड्रग की क्वालिटी का एश्योरेंस इससे मेनली होता है। वो ड्रग की प्योरिटी को ये डिटरमाइन करती है और उसमें जो एडल्ट्रेशन हो गए उसको डिटेक्ट करने के लिए टीएलसी और एचपीटीएलसी इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पेक्ट्रोग्राफिक एवेल्युएशन होगा, स्पेक्ट्रोमेट्री होगी, एचपीटीएलसी, टीएलसी, एचपीटीएलसी होगा, और ये जो सारी चीजें है वो ड्रग की फिंगरप्रिंट, हर्बल ड्रग की फिंगरप्रिंट बता सकती है। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, तो ये बहुत जरूरी है कि ड्रग में कोई पेस्टिसाइड रेसिड्यूज नहीं होना चाहिए, जैसे कि इंसेक्ट्स, फंगाई, मोल्ड, ये सब होते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट आर लायबल टू बी अफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड, ये हो सकता है कि वो कभी अफेक्ट हो जाए। तो इसके लिए WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लिमिट सेट किए हैं कि इतनी ही लिमिट में पेस्टिसाइड होने चाहिए, क्योंकि जब वो ह्यूमन सब्जेक्ट पे हम ट्रायल करेंगे तो उसके हजार्ड उसको हो सकते हैं। हैवी मेटल डिटेक्शन, जो भी प्लांट ड्रग है वो उसमें लेड, कैल्शियम, आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स ना होने चाहिए, वरना इसकी साइड इफेक्ट हो सकती है, तो ये भी विद इन द लिमिट ही होना जरूरी है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन, जैसे कि एनालिसिस ऑफ द लिमिट, इकोलाई और मोल्ड्स क्लियरली थ्रू द लाइट टू आर द जो हार्वेस्टिंग और हैंडलिंग होती है, तो उसमें ये सब माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकते हैं, तो इससे भी ह्यूमन सब्जेक्ट को काफी साइड इफेक्ट हो सकती है, तो इससे ड्रग फ्री होनी चाहिए। रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए, उसको तो डिमेरिट करने के लिए उस पर रेडिएशन थेरेपी की जाती है, तो उसके दौरान ड्रग है वो रेडियोएक्टिव हैजर्ड्स उसमें कंटामिनेशन हो सकता है रेडिएशन का, तो उससे भी जब वो एक तो ड्रग की क्वालिटी को रिड्यूस कर देगी और दूसरा जब ह्यूमन पे ट्रायल करेगी तो कोई इसकी इफेक्ट नहीं रहेगी। तो उसके भी जो गाइडलाइंस है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग टू होने चाहिए, उसके जो भी लिमिट्स है विद इन द फिजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लांट ड्रग। तो उसमें पाउडर फाइननेस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो है, विस्कोसिटी ड्रग की, सेफनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, पेरोक्साइड वैल्यू और एनसीडी टेस्ट, ये सारी आती है। तो एक के बाद एक देखते हैं, कॉसनेस ऑफ पाउडर, पाउडर की कितनी कॉसनेस होनी चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग नंबर्स की सीव्स आती है उससे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कॉस पाउडर होगा तो नंबर 2000 सीव्स की जो भी होगी छन्नी, उससे अगर उसको हम अगर फिल्टर करेंगे तो सारे पार्टिकल्स पास आउट हो जाएंगे। मॉडरेट कॉस में आएगा ऑल द पार्टिकल्स विल पास थ्रू द नंबर ऑफ 7-10 सीव्स। मॉडरेटली फाइन में ऑल द पार्टिकल्स विल पास थ्रू द नंबर 355 सीव्स, एंड फाइन होगा तो ऑल द पार्टिकल्स विल पास थ्रू द नंबर 180 सीव्स, एंड वेरी फाइन अगर पाउडर बनेगा तो ऑल द पार्टिकल्स विल पास थ्रू द नंबर 125 सीव्स। ये WHO ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, उसके अकॉर्डिंग सीव्स बनती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कैसे करेंगे, तो वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जो भी 25 डिग्री पे जो वेट होगा
उसी वेट को अगर कंपेयर करेंगे वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर सेम टेम्परेचर पे, तो वो बनेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। पीएच वैल्यू, वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी क्या है वो पीएच वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। इट रिप्रेजेंट द एसिडिटी ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ द एक्वियस सॉल्यूशन, विस्कोसिटी, तो क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्ड अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंट टू फ्लो, फ्लूइड की जो रेजिस्टेंसी है फ्लो की वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सो सेफोनिफिकेशन वैल्यू, तो सेफोनिफिकेशन वैल्यू मेनली घी तो ऑयल प्रिपरेशन से अपनी, तो उसको उसके लिए की जाती है। तो द नंबर ऑफ द मैग्नीशियम ऑफ द पोटेशियम एमजी ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फैटी एसिड, फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है उस पे सेफोनिफिकेशन वैल्यू काउंट कर सकते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द ऑल द फैटी एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल। आयोडीन वैल्यू, वेट ऑफ द आयोडीन एब्सॉर्ब्ड बाय द 10 वेट ऑफ द सब्सटेंस, ये एक्चुअली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के काउंटिंग के लिए होता है, अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए होता है आयोडीन वैल्यू। केमिकल टेस्ट एंड ऐसे एस्टिमेशन ऑफ द टोटल फिनोलिक्स एंड टोटल टेनिक्स, जो भी हर्बल ड्रग्स में फिनोलिक्स और टेनिक कंपाउंड है उसको एस्टिमेशन के लिए केमिकल टेस्ट एनालिसिस किया जाता है। उसके अलावा भी एल्यूमिनियम, बोरेक्स, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए भी केमिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। टेनिन्स है क्या, तो टेनिन्स इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सम गोल, बार्क एंड अदर प्लांट टिश्यू, जो भी प्रेजेंट होते हैं वो मेनली डेरिवेटिव्स ऑफ द गैलिक एसिड होते हैं, वो टेनिन्स होते हैं। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन ऑफ द दिस लेक्चर, स्टैंडर्डाइजेशन ये वगैरह इम्पोर्टेंट क्यों है इसके रिगार्डिंग अगर बात करें, तो प्लांट मटेरियल आर यूज थ्रू आउट द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग वर्ल्ड एज होम रेमेडीज, जो भी हमारी हर्बल रेमेडीज है वो अब वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है और सब घरेलू यूज करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल, जो इसके अलावा भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी उसका उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, एंड ये सारे को ग्लोबल ड्रग मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो मनी हर्बल ड्रग की क्वालिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना उसकी वो जो इफेक्ट चाहिए होती वो आती नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि इसके रिगार्डिंग कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन एस्टैब्लिश हो जाए ताकि उसकी क्वालिटी का कंट्रोल हो पाए। दूसरा है कि जो भी क्वालिटी के रिगार्डिंग इश्यूज है वो हम बहुत ही मिनिमाइज कर पाए, इसलिए रेगुलेटरी ऑथोरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको स्टैंडर्डाइज कोई गाइडलाइन बनाया जाए, इसलिए गाइडलाइन जरूरी है। एंड द नीड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हर्बल इज नाउ वेरी एसेंशियल गिवन द ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट्स रेमेडीज फॉर वेरियस डिसीज एंड एलिमेंट्स, सारे जो भी हमारे हर्बल ड्रग्स है उसको ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिले और उसके प्योरिटी भी प्योरिटी के और क्वालिटी पे कोई शक ना हो, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर स्टैंडर्डाइज ड्रग होगी तो ही जो वेरियस डिसीज पे उसको हम यूज करेंगे तो उसका अच्छा हमें बेनिफिट मिल पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस एंड थैंक यू वेरी मच टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। थैंक यू सर। डॉक्टर विनोद जी से आग्रह है कि क्वेश्चन आंसर वाला सेशन प्रारंभ करें। डॉक्टर विनोद जी। जी सर, थैंक यू जितेंद्र सर फॉर अ नाइस प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर। मेरा सभी स्कॉलर्स पीजी स्कॉलर्स से आग्रह है कि कृपया आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस योर सर, क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर जितेंद्र डायरेक्टली आफ्टर अनम्यूट योर माइक, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अभी सर के लिए आए नहीं है, शायद सभी को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन समझ में आ गया है। एक्चुअली सर मैंने स्लाइड्स में सारी चीजें क्लियर कट डाल दी है, तो हाँ आपने काफी अच्छे से क्लियर किया है। और पहला लेक्चर सर मैं ये देख रहा हूँ जिसमें मतलब आपने जितने भी टॉपिक अपन ने दिए थे टॉपिक वाइज आपने सारे प्रेजेंट किए हैं,
बाकी कई थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, छूट गए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस, धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्लीज स्कॉलर्स प्लीज यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Anybody? बड़ी बड़ी जल्दी फ्री हो गए सर आज तो अपन 8 बजे तक का सेशन है अभी अपना। लगता है मुझे सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर अगर चाहें, जितेंद्र सर चाहें तो कोई नटसेल में कोई छोटी मोटी बात और बताना रह गई हो तो कृपया उसको थोड़ा और डिटेल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव सम टाइम मोर। नो सर, जितना भी एक्चुअल में टॉपिक के हिसाब से मैंने सारा जो भी व्याख्यान है वो कंप्लीट कर दिया है, तो मेरी तरफ से कुछ रहा नहीं है सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किशोरी जी सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं 2 मिनट इनका ले रहा हूँ, और जब शुक्ला जी सर जुड़ रहे हैं, जुड़ जाए तो मुझे बता देना आप। हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने फोन कर दिया है, जुड़ जाए तो बता देना मुझे आप। हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र जी का, आपने बहुत डिटेल के साथ में और कम समय में आपने अधिक जानकारी आपने प्रोवाइड की है। निश्चित रूप से सभी को बहुत अच्छा लगा है। एक बार धन्यवाद सर पूरी टीम। डॉक्टर सर एक मिनट बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, आज्ञा है डॉक्टर किशोरी जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जितेंद्र सर। यस सर, यस सर। क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया सर, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट टीएलसी एंड एचपी टीएलसी। वन मिनट सर। या और एक जीएमपी के लिए भी पूछा है लोगों ने, एक्सप्लेन जीएमपी। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीएमपी के बारे में बता देता हूँ कि जीएमपी मेनली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, तो जो ये फार्मेसी साइड से है, तो इसके मैं सिर्फ कंपोनेंट बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, पहले तो स्टैंडर्ड जो भी फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट रहता है उसके लिए, तो लोकेशन एंड सराउंडिंग स्पेशलिटी होती है, फैक्ट्री प्रीमाइसिस जो भी सिलेक्ट किया वो उसके लिए गाइडलाइंस होती है, बिल्डिंग्स का जो भी प्रपोर्शन है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ के लिए क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, फिर एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए उसमें, कंटेनर्स क्लियरिंग के लिए, कंटेनर्स एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोवाइड सूटेबल स्पेस है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे किया जाएगा उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी मानी थॉटिंग होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रायल प्रोडक्ट्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, प्रिकॉशंस जो भी कंटामिनेशन हुआ तो उसके प्रिकॉशंस है क्या है, उसके लिए एक सफिशिएंट एरिया होना चाहिए, वर्किंग स्पेस स्टोरेज एरिया ये सब अलग अलग सीन डिफाइंड होना चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल को कहाँ रखना है, पैकेजिंग मटेरियल को कहाँ रखना है, फिनिश प्रोडक्ट को कहाँ रखनी है हमें, फिर जो मशीनरीज है इक्विपमेंट्स है उसके रिगार्डिंग एडिक्वेट स्पेसिस होनी चाहिए ताकि वो सफिशियंट जगह पे रख पाए और उसके काम लिया जाए, उसके रिगार्डिंग एसओपीस होनी चाहिए, जो वर्कर्स है उसके हेल्थ एंड हाइजीन्स सारे होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स है वो सारे अवेलेबल होने चाहिए और टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट होने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सेफ्टी होनी चाहिए, जो भी एडिक्वेट फार्मेसी के लिए जो स्पेस चाहिए वो एक्चुअली 1200 स्क्वायर फीट प्लस 800 चाहिए, 1200 स्क्वायर फीट में पूरा बिल्डिंग आ जाइए
और 800 स्क्वायर फीट में अलग से सराउंडिंग होना चाहिए, और जो क्वालिटी कंट्रोल एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। ये इन शॉर्ट मैंने शॉर्ट में जीएमपी का बता दिया है। जी सर, थैंक यू। नाउ सर एक्सप्लेन अबाउट टीएलसी एंड एचपी टीएलसी। सर टीएलसी इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसको बोलते हैं। तो एक क्रोमेटोग्राफिक प्रोफाइल में आता है ये, और इसमें एक्चुअल में जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो ड्रग प्लांट ड्रग है उसके स्टोमेटाटा इंडेक्स क्या है उसका, ये सब डिटरमाइन करने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली फार्माकोग्नोस्टिकल डिपार्टमेंट का के थ्रू और फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ये काम होता है। इन जनरली ये ड्रग में कोई एडल्ट्रेशन कंटेमिनेटेड नहीं है उसको डिटरमाइन करने के लिए एचपीटीएलसी और टीएलसी की जाती है। यस सर। सर एक्सप्लेन अबाउट ऑनलाइन रिसर्च एथिक्स सर्टिफिकेशन कोर्स। ऑनलाइन रिसर्च एथिक्स सर्टिफिकेट कोर्स, जी सर आई डोंट नो अबाउट, माने उसके रिगार्डिंग मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ऐसे कोर्सेज चलते रहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। उसका कोई कोर्स नहीं है जनरली। ओके, व्हाट इज डेटा ड्राइवन मैनेजमेंट। डेटा ड्राइवन मैनेजमेंट, जी सर दिस इज द पार्ट ऑफ मेनी स्ट्रोक्टोलॉजी आई थिंक। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर योर नाइस लेक्चर, और आप अच्छे से इसको प्रेजेंट किया कि सभी लोगों को क्लियर हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विनोद जी। जी सर, सर का ध्यान रखना, सर जुड़ जाए मुझे बता देना। सर जुड़ चुके हैं शुक्ला जी, सर जुड़ चुके हैं। थैंक यू विनोद जी। रिसर्च स्कॉलर से जो अभी विद्यमान है, तो ये जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उस कार्यक्रम के उद्देश्य आप लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पूरा पाठ्यक्रम पूरा करवाना और उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के द्वारा आपको प्रदान करना, ऐसी भावना इस आयोजन समिति की है। एक विषय जो मैं अभी रख रहा हूँ वह यह है कि इसके माध्यम से जो शिक्षक चिकित्सक और स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एक अच्छे स्कॉलर से जो विषय हमने दिए हैं, जो बिंदु हमने दिए हैं, उन बिंदुओं को लेकर के अच्छे वक्ता तैयार करना, उसके पीछे एक यह भी उद्देश्य है कि जो जितने विषय प्रतिपादित किए गए हैं उन विषयों को लेकर के अलग अलग विषयों के आधार पर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उन टॉपिक्स को तैयार करें और एक अच्छे वक्ता के रूप में एक अच्छा प्रेजेंटेशन वो प्रस्तुत कर सके, उसके पीछे यह भी उद्देश्य है हमारा। तो जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, ये सूचना भी है एक प्रकार से, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को करवाए जा रहे हैं उन विषयों को लेकर के आप लोग अलग अलग टॉपिक आप तैयार कीजिए, और जो टॉपिक आपको तैयार हो जाए, आप अच्छे प्रेजेंट करने की स्थिति में हो, आप हमें नाम दीजिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक दोबारा हम आयोजन करेंगे और एक मंच आपको हम प्रदान करेंगे बोलने के लिए। तो जो भी अच्छा पेपर प्रेजेंट उसमें करेगा उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। तो ऐसी योजना आगे की है कि जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो अपना विषय और टॉपिक आप चयनित करें और आयोजन समिति को बताएं कि ये मेरा टॉपिक रहेगा और आगे मैं ये विषय को प्रेजेंट करूंगा। इस प्रकार से एक नेशनल कार्यक्रम हम आगे रिसर्च स्कॉलर्स को लेकर के करेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा बोलने के लिए, तो एक अच्छे वक्ता के रूप में आप तैयार होकर के आएंगे, ऐसी हमारी भावना है। एक बार पुनः डॉक्टर जितेंद्र जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आज मार्गदर्शन के लिए
हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे मार्गदर्शक राजस्थान टोली के आदरणीय गोविंद सहाय जी शुक्ला सर हमारे बीच में आशीर्वचन के लिए उपस्थित हैं। मैं पूरी टीम के साथ में मैं सर का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सर, प्राचार्य राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आप प्राचार्य हैं और राष्ट्रीय शिक्षक प्रकोष्ठ विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रभारी हैं, उस नाते आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप पूर्व में CCIM के मेंबर भी रहे हैं और पूर्व में काउंसलिंग बोर्ड के आप चेयरमैन भी रहे हैं। सर का इस सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है और आदरणीय सर से आग्रह है कि प्रदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय गोविंद सहाय जी शुक्ला सर। हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी विनोद जी? जी सर आ रही है आवाज। हाँ, यत प्रभा पटलोद्भासी भाषते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति शाश्वतम न प्रकाशतम, ये वर्षों पहले स्वामी लक्ष्मीराम जी के द्वारा रचित एक सूत्र है जो आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि सत्यापित हो रहा है या इसको देखा जा रहा है साकार होते हुए। मैं आज इस कार्यक्रम में आपके साथ में प्रारंभ से ही जुड़ने वाला था लेकिन किसी कारणवश मैं थोड़ा सा अन्य कहीं दूसरे किसी कार्यक्रम में था, इसलिए किशोरलाल जी से मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं थोड़ा सा विलंब होगा और बाद में आप लोगों के साथ में जरूर जुड़ूंगा। विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा संपादित किए जा रहे शोध विधि ज्ञान यज्ञ रिसर्च मेथोडोलॉजी और क्लिनिकल स्टेटिक्स विषय को लेकर के 7 दिवसीय व्याख्यान माला जो प्रारंभ की गई है उसके सूत्रधार आदरणीय महेश जी व्यास साहब, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष किशोरीलाल जी और इस ऐसे विषय को चुनने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका दे रहे हैं, जिनको कि हम पूरे इस कार्यक्रम के सूत्रधार कह सकते हैं, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर देवेंद्र जी चाहर साहब और सभी आपके साथ जुड़े हुए सभी शिक्षक महानुभाव और दूसरे इस विषय में जुड़े हुए सभी जो रुचि रखने वाले अध्येता हैं, वो छात्र भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, PG स्कॉलर्स हो सकते हैं, स्नातक के हमारे विद्यार्थी हो सकते हैं इस तरह के, और आज के जो जिनका विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ, हमारे आज के व्याख्यानी जो करता है डॉक्टर पंकज जी पाठक और डॉक्टर जितेंद्र जी। पंकज जी जुड़े हुए हैं? पंकज जी थे आज? पंकज पंकज जी का व्याख्यान हो गया, जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जी 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 हाँ, लेकिन आज था उनका लेक्चर? हाँ आज लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर उनके था सर। तो मैं दोनों व्याख्यानकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, इतना समय आपके माध्यम से दिया जा रहा है ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये इन्होंने शोध विधि ज्ञान सप्ताह लिखा है, मुझे तो लगता है कि ये शोध विधि ज्ञान यज्ञ है, साप्ताहिक यज्ञ है, जो हमारे दैनिक नित्य कर्म होते हैं उसमें पंच यज्ञ होते हैं और पंच यज्ञ में जो ब्रह्म यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ वो होता है कि जो हमारे पास में जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम लोगों तक प्रसारित करें। तो डॉक्टर जितेंद्र, आपके द्वारा ये आज का यज्ञ प्रतिपादित हुआ है इसलिए आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं, और जितने भी इसमें हमारे शोध के इस ज्ञान के लिए जो इसमें जुड़े हुए हैं, पंजीकरण जिन्होंने करवाया है, ऐसे सभी शोधार्थी वो सभी भी इस ज्ञान यज्ञ में एक तरह से अपनी आहुति डाल रहे हैं। ये एक अपना एक आध्यात्मिक सा विषय है जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मूल विषय यह है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और क्लिनिकल स्टेटिक्स पूरे देश भर में, ये एक ऐसा विषय है, हम BMS फाइनल से इसका अध्ययन करते हैं लेकिन बहुत इसकी कहीं पर कोई रेगुलर टीचर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी ले सकते हैं। मैंने 90% कॉलेजों को देखा है, प्राइवेट कॉलेज भी देखे, सरकारी कॉलेज भी देखे हैं, उन सरकारी कॉलेजों में भी मैंने के पूछते हैं ना, भाई आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए क्या व्यवस्था की हुई है, तो कि साहब वो बुलाते हैं, कहाँ से बुलाते हैं कोई पता नहीं है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था है छात्रों के ऊपर उसको छोड़ा हुआ है। लेकिन मैं बहुत
आभार व्यक्त करना चाहूंगा विश्वजीत प्रसाद रास्ता निकाय के अध्यक्ष और पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे देश के ऐसे शोधार्थियों को जोड़ करके इस चुनौतीपूर्ण विषय को, क्योंकि बार बार इसको जानना समझना, इसके लिए पूरे देश भर में जो इस विषय में अपनी विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष अपना अनुभव रखते हैं, जिनकी इस विषय में अपनी दक्षता है, ऐसे उनसे हम प्रत्यक्ष रूप से उनके विषयों को, नहीं क्या पता हमें अवसर मिलता है नहीं मिलता, लेकिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध करवाया है कि ऐसे व्यक्तियों के व्याख्यान लेक्चर आपने इन सभी शोधार्थियों के बीच में रखे हैं। निश्चित रूप से वो एक दिशा देने वाला कार्य होगा, एक लाइन उनको मिलेगी, और जब ये दिशा मिलेगी तो इस दिशा में जब वो बढ़ने लगेंगे तो, और इस प्रकार का जब भी किशोरीलाल जी ने कहा कि अगला हम जो एक कार्यक्रम रखने वाले हैं आपके माध्यम से ही, आप अब अगली बार डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर पंकज और दूसरे लोग नहीं होंगे, आप में से ही आपको हम ये इनके माध्यम से, किशोरीलाल जी पूरी टीम के माध्यम से आपको ये सूचना भेजेंगे, आपसे जानकारी लेंगे कि क्या आप इन इन टॉपिक पर अपने अच्छे लेक्चर देकर के कौन है, जो आज 250 करीब जो 250 का पंजीकरण हुआ है उसमें से ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं पीजी स्कूल हैं जो इन विषयों पर अपना एक विशेष तैयारी करके अपना लेक्चर दे सकते हैं, तो वो आपके माध्यम से ही होगा। लेकिन आपके माध्यम से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब इस हम विषय पर जुड़े हुए हैं तो आप 7 दिन की जो इस लेक्चर सीरीज को सुन रहे हैं उसको एक बार दोबारा बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, तैयारी करके अपने जो कलीग्स हैं, अपने साथी हैं, उनके साथ में उनको आप वहां पर भी उसको एक बार अपने लेक्चर दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और जो अगले महीने भर के बाद में जब हम मिलेंगे तो आप ही के माध्यम से कुछ हमारे पास में लेक्चर देने के लिए स्कॉलर्स होंगे, उनके हमारे पीजी स्कॉलर्स के लिए हो सकते हैं, हमारे बीएमएस के जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी, हम इसको कॉलेज लेवल पर भी कर सकते हैं, हर कॉलेज लेवल पर जो कम से कम जो राजस्थान पूरे देश के जुड़े हैं, लेकिन जिस प्रदेश में जितने भी कॉलेज है वहीं पर जो इस आज के हमारे एक पैनल बन करके उस कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं बीएमएस के छात्र हैं, उन बीएमएस के छात्रों के लिए इन्हीं में से ही ऐसा एक 7 दिन का हम कॉलेज टाइम के बाद में 2 घंटे का और 1 घंटे जैसी भी हमारी व्यवस्था बनती है ऐसी एक कार्य योजना हमको बना लेनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि जो हमारे यहाँ से जो स्कॉलर्स जा रहे हैं इस सीरीज में हैं वो अपनी तैयारी करने के बाद में कॉलेज स्तर पर इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म तैयार करके और आगे बीएमएस फाइनल के छात्रों के लिए भी इस प्रकार की एक योजना बना सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर भी ऐसी एक योजना हम बना सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा एक जो विषय है जिसको कि अनछुआ सा रहता है प्राय कॉलेजों में, उस अनछुए विषय को विश्वविद्यालय परिषद की इस टीम के माध्यम से लेकर के, और 250 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 250 की एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कहने का मतलब ये 250 रजिस्ट्रेशन का मतलब ये वो लोग हैं जिनकी इसके प्रति एक गहरी आस्था और निष्ठा थी। इसमें जुड़ने के लिए तो हजारों की संख्या, 4000 से भी अधिक पीजी के अंदर एडमिशन होते हैं पूरे देश भर के अंदर, लेकिन 200 लोग वो हैं जो जिनको किसी ने प्रेरित नहीं किया हुआ, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आगे से पूछ करके कि साहब मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या करना, तो ऐसे जिज्ञासु जो हमारे अध्येता हैं जो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो जिसकी डेडिकेशन होता है, श्रद्धा होती है ना, वही ज्ञान को प्राप्त करता है, और श्रद्धा का जो पैमाना क्या है उसका मीटर क्या है, तत्पर है सहितेंद्रिय, जो तत्पर हो, एक्टिव हो, जिसने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया इसका मतलब बहुत ज्यादा तत्पर है वो, तो ये अपने किसी काम को सीखने के लिए ललक कैसी है, फायर कैसा है, अग्नि कैसी है, तो उस चीज को लेकर के जो हमारे सभी छात्र जुड़े हैं, अध्येता जुड़े हैं, उनका मैं विशेष रूप से उनको अभिनंदन करता हूँ, उनको अपनी ओर से एक शुभकामनाएं भी देता हूँ, साथ ही पूरी टीम को भी और प्रदेश अध्यक्ष किशोरलाल जी को, सभी को, देवेंद्र जी को, विनोद जी को, जो पूरी तरह से राहुल जी ये तो क्या है कि मास्टर की है, इनको तो जहाँ लगा दो वहीं, ये मास्टर की होती है ना जिसमें कई चाबी पाना वाली 8-10 पेज होते हैं उसमें, इनको जहाँ फिट कर दो वहीं अपना अच्छा एक रिजल्ट निकाल के देते हैं, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम में आप निश्चित रूप से, आपकी इच्छा थी प्रारंभ से रहने की, लेकिन एक कार्यक्रम और था, तो फिर भी आपने इस कार्यक्रम में अंतिम में पहुंच करके आपने पूरे को एक संबल प्रदान किया है, निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं। और आपने जैसा बताया कि यह शोध निश्चित रूप से एक यज्ञ है, और जो साधना करता है और जो यज्ञ करता है उसका फल निश्चित रूप से अच्छा होता है,
आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि ये ब्रह्म यज्ञ है और इस ज्ञान का प्रसार आपको करना है निश्चित रूप से। पुनः एक बार पूरी टीम के द्वारा आपके मैं आभारी हूँ और अत्यंत हर्ष का विषय है कि सर विश्व आर्य परिषद के राष्ट्रीय प्रभारी है और इसमें अच्छी मात्रा में शिक्षक भी इसमें भाग ले रहे हैं, तो आज सर का मार्गदर्शन हमको मिला है। मैं आग्रह करूंगा अपने स्टेट से बाहर से डॉक्टर भानुप्रिया मोहंती जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, अगर जुड़े हुए हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर भानुप्रिया मोहंती जी फैकल्टी से, नमस्ते मैडम। मैडम आप कहाँ से हैं? सर हम गोवा आयुर्वेद कॉलेज से, गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय। डॉक्टर देवेंद्र जी चाहर को मैं आमंत्रित करता हूँ, आभार है तो डॉक्टर देवेंद्र जी पधारे। जी थैंक यू किशोरी जी। डॉक्टर भानुप्रिया मैम सामने, कुछ विष्णुप्रिया मैम सामने हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं या? विष्णुप्रिया मैम कुछ बोलना है आपको? नहीं मतलब विष्णुप्रिया जी सर। हाँ ठीक है मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तो ठीक ओके मैम, ठीक है मैं मेरा आभार प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी। मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, सर आप लोगों को जी, सर जी, हमारे तरफ से आप लोगों को धन्यवाद जी, क्योंकि जी, ये आसान बात नहीं है कि इतने लोगों को इकट्ठा करके और स्पेशली ऑन दिस टॉपिक एज यू नो गोविंद सर वाज जस्ट स्पीकिंग दैट इज ए अनटच सब्जेक्ट, लाइक इयरलियर यदि पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट वाज ए अनटच सब्जेक्ट, सम संस्कृत पीपल्स आर टीचिंग दिस वन एंड सिमिलरली नाउ ऑल्सो मेनी मेनी कॉलेजेस टीचिंग मेथोडोलॉजी टॉट बाय द पर्सन्स फ्रॉम अदर सेक्टर लाइक ए सिंपल बीएससी समटाइम्स फ्रॉम एलोपैथ सेक्टर्स those hardly understood the concept of Ayurveda. So you all are really great job, you are doing a great job, and especially the newcomers, the BMS students are also joined here, and the PG scholars how interacting during the session, that also we are watching. And if you are asking why I have joined here, I just like to check my own knowledge, how I am teaching to my students. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, ma'am, thanks. Yeah, Vinod ji. हाँ देवेंद्र सर जी। हाँ मुझे जिम्मेदारी दी हुई है माननीय हमारे VAP के राजस्थान के अध्यक्ष महोदय ने और कमेटी ने वोट फॉर थैंक्स के लिए। तो आज सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को नमस्कार करते हुए हमारे जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रोफेसर योगेश चंद्र जी मिश्र, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में प्रारंभ में ही जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे और हमारे साथी टीचर्स थे और हम लोगों को कई ऐसे संस्मरण सुनाए जिससे हमको अपने आप में मोटिवेशन करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और बताया कि भाई किस तरह से शुरू से ही भारत में रिसर्च और रिसर्चर्स को बाधित करने के लिए और परेशान करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची गई और लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने उन सबका जो है निराकरण करते हुए, उनका सामना करते हुए और आगे बढ़े, तो उनका जो मोटिवेशन था वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसा मेरा विचार है। और मैं जो है ये समझता हूँ कि मोटिवेशन किसी भी विषय को एडॉप्ट करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आभार करता हूँ हमारे राष्ट्रीय शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रभारी विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रोफेसर गोविंद खाई जी शुक्ल साहब, जो हमारे बड़े भाई जी की तरह हैं, वो हमेशा जब भी रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने के उनमें मन में जो है भावना रहती है, हमें प्रेरित करते रहते हैं। और श्लोकों के मामले में उनको आप कोई छोटी मोटी इंसाइक्लोपीडिया ही मानना, क्योंकि श्लोक जितने उनको याद है शायद मुझे भी नहीं है और आसपास शायद हमारी पीढ़ी को हमें भी नहीं, बहुत ज्यादा श्लोक सर को याद है और बहुत फ्रिक्वेंटली भी बोलते हैं और साफ भी बोलते हैं। मतलब श्लोक का उच्चारण अच्छा बोलना और एकदम से लगातार बोलना ये बहुत बड़ी कला होती है। तो सर मैं तो आपके इस कला का पहले से ही प्रशंसक हूँ और आपने जो है इस जो है शोध विधि ज्ञान सप्ताह में आज
हमें आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सर। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ प्रोफेसर महेश व्यास सर का, जो हमारे ऑर्गेनाइजर चेयरमैन है, वो नहीं है लेकिन अभी सबसे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनका सहयोग शुरू से ही हमें रहा है, आशीर्वाद मिला उनका भी। और हमारे राजस्थान के विश्व आयुर्वेद परिषद के जो अध्यक्ष हैं और किशोरी लाल जी शर्मा साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा और इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर राजस्थान में ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी ली और उसको बखूबी से उन्होंने चौथे दिन तक बहुत ही सक्सेसफुली अपने मुकाम तक पहुँचाया है। और मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ साथ मैं हमारे राजस्थान विश्व आयुर्वेद परिषद के महासचिव महेश इंद्रा जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जो लगातार इस प्रोग्राम में बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए प्रेरित करते रहे और हमेशा अपना समय दे करके और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं। और मैं साथ साथ विनोद जी गौतम जो ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं और कोरियन सेक्रेटरी राहुल पारासर जी, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, मैं तो बीच बीच में थोड़ा व्यस्त होता रहा लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से सबसे बातचीत की और आगे प्रोग्राम को वो लगातार संभाल रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे टीचर साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ऐसा लगता है उनके जुड़ने से कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तभी वो इसका आनंद ले रहे हैं। और सभी बच्चों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत कि उन्होंने इसमें अभिरुचि दिखाई और जानने की, सीखने की, अपनी ललक को, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखा। और अंत में सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार किशोरी जी। थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र जी। ओके सर। अपने प्रोफेसर संग्राम केसरी जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो प्रोफेसर संग्राम केसरी जी, डॉक्टर रेनी सर। हेलो सर। हाँ सुन रहे हैं सर आप? हाँ सर बोलिए सर, कुछ कहेंगे सर आप? नहीं सर, बहुत अच्छे से आप लोगों ने अरेंज किया है, हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं एवरीडे। और मैं गुमंतक आयुर्वेदिक कॉलेज से हूँ, गोवा से, द्रव्यगुण डिपार्टमेंट से। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर रेनी सचदेवा पंजाब से। डॉक्टर रेनी सचदेवा पंजाब से। और कोई फैकल्टी मेंबर्स जो राजस्थान से बाहर से जुड़े हुए हैं अभी इस समय, और कोई फैकल्टी मेंबर्स जो राजस्थान से बाहर से जुड़े हुए हैं? सर मैं डॉक्टर मिनी। जी मैडम। जी मैडम। सर मैं अभी वीवाईडीएस आयुर्वेद कॉलेज में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इन रजनाशारी डिपार्टमेंट, पीजी डिपार्टमेंट पे हैं। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम केरला। जी मैडम। जी कैसा लग रहा है मैडम आपको? जी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। वैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि हम पीजी टीचर्स हैं तो पीजी टीचिंग में पीजी रिसर्च मेथोडोलॉजी हम पढ़ाते नहीं, फिर भी हम लोगों को ये भी देखना चाहिए जब टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त, है ना, व्हेन वी आर फ्रॉम नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट और फ्रॉम अ क्लिनिकल सब्जेक्ट, द लिटररी रिव्यू और लिटररी स्टडी, इवन दो वी वांट टू नो दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसलिए हम लोग इसमें जुड़े हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस सेशंस इन अ वेरी गुड मैनर। थैंक यू सर। जी मैडम, थैंक यू। और कोई फैकल्टी मेंबर्स जो राजस्थान से बाहर से इसमें जुड़े हुए हैं? थैंक यू। उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज से डॉक्टर अश्विनी जी, अश्विनी जी जुड़े हुए हैं? कमलेश जी सर, नरेंद्र जी हेमवती जी,
डॉक्टर रूही और कोई फैकल्टी मेंबर उदयपुर से जुड़े हो? उदयपुर से आज बाहर वाले हैं सर, आज बाहर वाले फैकल्टी मेंबर और स्कॉलर्स हैं। ठीक है, अब क्या करें? कल्याण मंत्र पीजी स्कॉलर्स जो हैं जुड़े हुए बाहर के, अदर स्टेट के पीजी स्कॉलर्स, अदर स्टेट के जो बाहर से पीजी स्कॉलर्स हैं, वो कुछ कहना चाहें, अपनी बात रखना चाहें? राजस्थान से बाहर से जो पीजी स्कॉलर्स हैं। हेलो जी, बोलिए डॉक्टर रचना जी। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी हम लोग को एक क्विक रिवीजन देने के लिए इस टाइम पे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। जी। मैं दयानंद आयुर्वेद कॉलेज में पीजी कर रही हूँ सर, फर्स्ट ईयर से। तो कल का भी, परसों का भी और आज का भी काफी अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। और पीजी स्कॉलर्स बाहर से जो अपनी बात, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं? स्वागत है उनका। सर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जी 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 बोलिए सर। एक्चुअली हमारे कॉलेज का सारे रिसर्च का जो एक्टिविटी है मैं ही चेक करता हूँ, इवन द मेंबर एंड सेक्रेटरी टू आईईसी। सो कहने का मतलब था कि जितने सारे टॉपिक्स यहाँ कवर किया गया है जी। या तो उसका एक समरी करके एक बुक का फॉर्म में लाया जाए, और फ्यूचर में हो सके तो थ्रू आउट ऑल द इंस्टीट्यूशंस हम एक ही रूल को फॉलो कर सकते हैं क्या? मेरा बात सर मैं पहुंचा पाया क्या? जी जी जी। मतलब हो क्या रहा है कि इवन दो देयर इज सम एसओपी, जैसे हम हॉस्पिटल का एक्रेडिशन करते हैं कि एनआईबीएच एक्रेडिशंस, सो ऐसे ही रिसर्च के मेथोडोलॉजी में हमें एक फिक्स एसओपी करना है कि इफ इट्स ए टॉपिक ऑफ मधुमेह हो तो इसमें इसी एसओपी में किया जाए। मतलब उसमें ऐसा आ जाएगा एक दिन में कि दो चार बरस में समझो हम सारे इंस्टीट्यूशन का डाटा इकट्ठा किया। सो इंडिया में इतने हमारा यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है, 30% का डाटा आता है, 50% का डाटा आता है। सो अगर एक टॉपिक के ऊपर यूनानिमसली किया गया, ए प्रोटोकॉल्स कैन बी फिक्स्ड एंड विथ अ सर्टेन पीरियड्स एन नंबर ऑफ डाटा, मतलब मैक्सिमम डाटा में हमारा ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट निकल के आ सकता है अगर हम उसको यूनानिमसली फॉलो किया। मतलब जैसे अभी वो पवन सर ने लेक्चर रखा, इवन सुप्रिया मैडम ने रखा, अभी 5 लोगों का मतामत अगर एक कैटेगरी में आ जाएगा और उसी को फॉलो करके हम सारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, कम से कम 10 लीडिंग इंस्टीट्यूशन में डाटा कलेक्ट किया, देन आने वाले जूनियर लोगों के लिए एक नजर आएगा कि बाबा ये आयुर्वेद का मेडिसिन का ताकत है, या तो मेडिसिन का, आहार का, बिहार का, जो भी हम उसको। बिल्कुल, ये किशोरलाल जी। जी जी सर। हाँ, जो मैडम कह रही है बहुत ही एक अच्छा प्रपोजल है मैडम का। इनका आपका डिपार्टमेंट कौन सा मैडम? मेरा डिपार्टमेंट सर संहिता सिद्धांत का है। संहिता सिद्धांत है, तो संहिता सिद्धांत का अपना अभी एक ग्रुप, अभी हम शिक्षक प्रकोष्ठ में हमने सारे जो अपने 14 विभाग हैं उन सारे विभागों के ग्रुप बनाए हुए हैं। सर्जरी का पूरे देश भर का एक ग्रुप है, इस तरह से शल्य का भी अब वो बना रहे हैं। तो उस ग्रुप के माध्यम से जो आपके जैसे प्रपोजल हैं तो उन पर एक बार चर्चा करके हम कैसे प्रोटोकॉल उनको तय कर सकते हैं, फाइनली ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है, और काउंसिल इस पर काम कर भी रही है। वैसे जो आपका सजेशन था उस पर ऑलरेडी काम चल भी रहा है। हाँ। कि कई किसी भी एक डिजीज को लेकर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर उस पर वर्क हो और सेम प्रोटोकॉल हो, सेम मेथोडोलॉजी हो,
तो फिर उस पर एक कुछ डाटा हमें मिल पाएंगे। हाँ एक बार बैठेंगे, जी एक बार बैठेंगे और सर जी जो देवेंद्र जी है सब लोग अपने एक बार जी, जो प्लीज सर, क्योंकि क्या होता है सर, यहाँ एवरी इंडिविजुअल सर वॉरियर एंड शास्त्र को तोड़ मोड़ करने का तब अलग अलग अंदाज है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता है। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो देखो ऐसा है कि जो रिसर्च का विषय है ना, ये बड़ा टिपिकल है। हम रिसर्च कर क्या रहे हैं कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए, ये प्रोटोकॉल है ठीक है, लेकिन हमारी जो उसमें आयुर्वेद की जो मौलिकता है ना वो दूर नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति के साथ में हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण इसका बहुत गहराई में जगह जब हम इसके बारे में सोच पाएंगे कि आप्त प्रमाण है क्या। ऐसे लोगों का जो अपना शास्त्र भी कहता है वो आप्त प्रमाण है, अपना आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आज की हम रिसर्च की बात करते हैं तो बस वो रिसर्च में ऐसा हो रहा है कि जैसा कई बार वो एक कहानी सुनते हैं ना कि चार पैर वाले कीड़े को एक पैर तोड़ देते हैं और फिर उसके पास में कुछ आवाज करते हैं फिर वो तीन से करने लगता है। अगर आपके पास समय है तो मैं थोड़ा सा और बात भी रख सकता हूँ। मतलब कैसा है सर, अभी क्या कोरोना के लिए सचमुच का वैक्सीनेशन चाहिए? हाँ हाँ, सच्ची तो बोला गया कि लोगों का आहार विहार आचार विचार को सुधारा जाए तो यही बहुत ही अच्छा है कि हमारा देश का एक अलग पहचान पूरा ग्लोब में बन सकता है। बिल्कुल 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 जी। तो ये तो हम क्योंकि उनके स्पीड में दौड़ रहे उनके नजर चलो मैडम आपकी आपकी आवाज चलो चलो ठीक है मैडम, एक बार बैठेंगे मैडम के नंबर वगैरह सारे रखना किशोरलाल जी। मैडम आप कहाँ से बोल रहे हैं? गोवा से, गोवा गोमन तक। मैडम थैंक यू। गोमन तक आयुर्वेदिक कॉलेज से है तो एक बार नंबर वगैरह रखना इनके साथ में बातचीत करेंगे ठीक है ना। ठीक है ठीक ओके थैंक यू मैडम। वर्ल्ड प्रोपेगेशन के लिए हमें पहनना चाहिए दिया तो बाकी तीनों सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली गैलेक्सी के साथ ही। जी सर एक्चुअली मेरा एमडी पीएचडी सब कुछ जामनगर से मेहनत कर रहे हैं हम तो सिर्फ जी। और कोई पीजी स्कॉलर अगर बच गए हों और परिचय देना चाहते हैं तो दे दें, अपने पास एक मिनट का समय शेष है बस। कोई और पीजी स्कॉलर अगर जो अदर देन राजस्थान स्टेट से हैं अपना परिचय अगर देना चाहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं तो एक मिनट शेष है, उसके बाद कल्याण मंत्र के बाद आदरणीय प्रिंसिपल सर के निर्देशन में अपन सभा समाप्त करेंगे। किशोरी जी सर। हाँ राकेश जी सर कुछ कहेंगे? नहीं शायद वो वापस से लेफ्ट हो गए हैं। नहीं जुड़े जुड़े नहीं नहीं, नहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ जी जी। बहुत बढ़िया सर, आज का बहुत विस्तृत हो गया और दोनों ही लेक्चर बहुत अच्छे थे। बीच में थोड़ी सी देर के मैं दूसरा लेक्चर नहीं सुन पाया था, बाकी दोनों ही लेक्चर अलग थे। मतलब ये दोनों लेक्चर ऐसे थे कि कुछ अलग हट करके थे, रूटीन में ऐसे लेक्चर हम लोग करते नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मैनुस्क्रिप्टोलॉजी और ये जो एथिकल इशू है ये दोनों ही चैप्टर अपने आप में एक जो है पूरा सेपरेट एक जो टॉपिक है जो जो हमारे रूटीन में नहीं आता, तो बच्चों की जानकारी में होना जरूरी है। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक थे, बहुत बढ़िया उनका जो है एक्सप्लेनेशन भी आया है, चाहे वो पंकज जी का हो चाहे जितेंद्र वर्षाध्य जी का हो, खूब मेहनत से उन्होंने स्लाइड सुनाई थी, टू दी पॉइंट स्लाइड सुनाई थी, अच्छा। और मैं वास्तव में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी अपने आप में बहुत ही एक जो भी विचार पनपा है, एक बहुत ही उत्तम विचार पनपा है और अल्टीमेटली बहुत बढ़िया रूप से फिनिश हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आयोजकों को, जो है महेश जी व्यास हैं या हमारे किशोर जी हैं, हमारी पूरी टीम है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ऐसा एक अनुपम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, बहुत बहुत बधाई। अब कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर किया जाए। थैंक यू सर। कल्याण मंत्र के लिए राहुल जी। जी सर, कल्याण मंत्र से पूर्व एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्ला सर को स्पेशली एड्रेस करते हुए कहना चाहूंगा कि सर आपने कहा कि ये 250 रजिस्ट्रेशन हुए या मोर देन 250 रजिस्ट्रेशन हुए, ये बहुत बड़ी बात है। वास्तविकता सर अभी ये है
अभी की पोजीशन ये है कि 250 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग 200 के आसपास जब सेशन चल रहे होते हैं तो उसमें कैंडिडेट मौजूद होते हैं, और उन 200 मोबाइल या 200 लैपटॉप्स के अगेंस्ट कम से कम एक एक मोबाइल या लैपटॉप पर तीन तीन लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम मान के चलिए कि 600 से 700 लोग हमारे इस प्रोग्राम को, विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्रोग्राम को ऑल ओवर द इंडिया में सुन रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी गौरव की बात है। और इसी के साथ कल्याण मंत्र हम प्रारंभ करते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अध्यक्ष महोदय और बाकी सभी आयोजन समिति।